हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक कैलेंडर चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर करेंसी जहाँ पर आप ट्रेड लेने वाले हैं, जिस भी करेंसी पेयर पर, उसकी न्यूज़ कैसे चेक करते हैं कि उस पर फिलहाल में कोई न्यूज़ है या नहीं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी करेंसी पे। जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो सडनली बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस और बहुत कुछ कि हम जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो शेयर मार्केट, बाइनरी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, उनका क्या कहना रहता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से मार्केट अगले कुछ टाइम के लिए रिएक्ट करेगा, और वो चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ डेटा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जिससे पहले यार ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। वो ये कि 95% लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो हार जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? लेकिन मैंने 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट शॉर्टलिस्टेड किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो यार पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दैट आई शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस वीडियो इज़ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी रहती है वो बेसिकली बेस्ड होती है RSI या और सारी स्ट्रैटेजीज रहती है SMA। तो ये सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड होती हैं, प्लस इंडिकेटर्स। मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी व्हाट एवर आई टोल्ड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, यही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वाइल वी आर ट्रेडिंग, ओके। बट द ट्रूथ बिहाइंड दैट, मैं भी सीरियसली मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द लॉन्ग रेस, हमें लंबी रेस के लिए जाना है, तो फ्रेंड्स यार एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये कि हम यहाँ से इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके या इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक शॉर्ट रेस तक ज़रूर जा सकते हैं। ज़रूर हमें बेनिफिशियल है, हमें हेल्प करते हैं, हमें प्रॉफिट देंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती है। बट अगर हमें लॉन्ग रेस तक जाना है ना, तो हमें हिस्टोरिकल डेटा या बहुत सारी चीज़ें उस करेंसी पेयर के बारे में चेक करनी होती है जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर की बात करते हैं, एक अच्छे ट्रेडर की बात करते हैं, तो वो क्या देखता है, वो स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, वो इंडिकेटर अप्लाई करता है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले वो ये चेक करता है कि मार्केट की हिस्ट्री क्या रही है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करा है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। मार्केट पे पर्टिकुलर करेंसी पे कोई न्यूज़ तो नहीं है, न्यूज़पेपर वो चेक करता है, वो कंट्री हैं उनके बीच की सारी न्यूज़ वो चेक करता है कि उनके बीच में क्या लेन देन चल रही है भाई, कि क्या ट्रेड हो रही है उन दोनों के बीच में, और वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हो, वो भी आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। तो सेकंड पॉइंट दैट आई शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस वीडियो इज़ इमोशनल ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लोग ना सबके साथ ये जो पॉइंट ना सबके साथ होता ही होगा, वो ये कि फ्रेंड जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यार ये होता है कि मार्केट फ्राइडे और मंडे को आपको पता है ओपन रहता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, लोगों को और सबको पता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट में रहता है, यानी स्टेबल नहीं होता है। बट इवन दो हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं यार मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, लास्ट फ्राइडे को मैं लॉस में गया था तो मुझे मंडे को प्रॉफिट चाहिए। लोग कहते हैं यार नहीं, मैं अभी पिछले दिन थर्सडे को लॉस में गया था तो मुझे आज फ्राइडे है तो भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए तो इसलिए मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो दैट टाइम वो जो चीज़ हो रही है ना भाई, इसको इमोशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आप लोगों को ना यार भाई इससे दूर रहना है, इमोशनल ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है, तभी आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है लाइफ में। तीसरी चीज़, द थर्ड पॉइंट आई शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस वीडियो इज़ वो ये कि फ्रेंड्स जब हम कोई ट्रेड लेते हैं ना यार, तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड सिग्नल्स जो रहते हैं या स्ट्रांगली रिकमेंडेड जो चार्ट रहता है ना, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, हम अपोजिट उसी डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। द रीज़न मैं इसके पीछे जो एक आप लोगों को अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल देने वाला हूँ जो कि मेरी लाइफ पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स यार एक टाइम की बात है जब गोल्ड की जो प्राइस थी यानी रेस थी वो थोड़ा डाउन हो रहे थे और उसके जो शेयर्स थे वो 10% डाउन पे चल रहे थे। पूरी जो गोल्ड का इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 10% डाउन पे था। तो यार मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा और कितना डाउन जा सकता है, तो मैंने ट्रेड ली और ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया, ठीक है, यानी उसके शेयर्स खरीद लिए थे। तो वहाँ पे मैं लॉस में गया, फिर से वो डाउन गया, अगेन आई बॉट दिस सम शेयर्स, फिर से मैं लॉस में गया, फिर से शेयर खरीदे, ऐसा मैंने 5 बार किया। और सीरियसली गाइस मैं 50,000 रुपीज़ या ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ मैं वहाँ पे लॉस कर गया था। तो बिग लॉस था मेरे लिए, लेकिन यार उस टाइम पे एक बात ज़रूर समझ में आ गई थी, वो ये कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है ना,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, डेफिनेटली उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। द फाइनल पॉइंट दैट आई शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस वीडियो इज हम इजीली गिव अप कर देते हैं। द रीज़न कि हम अगर इजीली गिव अप कर देते हैं तो हमें सीखने को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे भी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा, वो ये, सपोज़ कीजिए कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं। तो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग करने के बाद हम जाते हैं डीन के पास और हम कहते हैं, सर मेरा जो इंजीनियरिंग है कंप्लीट हो गया है सर, 3 साल हो गए, 1 साल में अभी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए। तो वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ बट इंजीनियरिंग के बेसिस पे नहीं है, आप द इंजीनियर टाइटल के साथ नहीं हो। मैं आपको जॉब ज़रूर दे दूंगा कोई ना कोई, बट द इंजीनियर आप नहीं हो। आप कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हो लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ आप जॉब नहीं कर सकते। द रीज़न सेम, लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर जल्दी गिव अप कर दोगे ना तो आप लर्निंग कैसे लोगे? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ट्रूथ बताना चाहूँगा इस मार्केट के पीछे का, अगर आप यहाँ से कुछ सीखना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट टू लर्न एंड अर्न फ्रॉम हियर, तो भाई सबसे पहले ना सीखो। 1 महीना ना अब सोचो मत कि आपको पैसा भी मिलेगा यहाँ से, आप ये सोचो कि आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, आने वाले टाइम में आपके लिए वो किस तरीके से हेल्पफुल होगा, ये चीज़ें ध्यान में लेके चलो। और गिव अप इजीली कर दोगे तो वो चीज़ें आपको कैसे सीखोगे? यहाँ पे अगर सिर्फ आते हो ना तो सिर्फ पैसे कमाने के माइंडसेट से मत आओ, यहाँ पे अगर आते हो तो आओ सीखने के माइंडसेट से। चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार आज की बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको, आज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम न्यूज़ चेक कर सकते हैं, मार्केटिंग इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, करेंसीज चेक कर सकते हैं, और इन शॉर्ट मैं बोलूँ ना तो हम एक सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो एक प्रो ट्रेडर करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं, एक सामने आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन दिख रही है investing.com। तो इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। सबसे पहले अगर इसको डाउनलोड करोगे ना यार तो प्ले स्टोर पे आसानी से इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहते हो यार आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे अब एक कनेक्शन एरर आ रहा है, तो कनेक्शन मैंने ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप नीचे कुछ सेक्शंस देख पा रहे होंगे, मार्केट्स, न्यूज़, कैलेंडर और पोर्टफोलियो। तो हमारे काम का क्या है? हमारे काम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट, न्यूज़ और कैलेंडर, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो और मेन्यू हमारे कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो साइन अप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे अगर हम कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो फिलहाल किस तरीके का इंटरफेस आता है, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आज का कैलेंडर है ये, आज का कैलेंडर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं यार आप, 1 बजे GBP की कुछ न्यूज़ है। इस तरीके से आपको जो भी टाइमिंग मिले ना, तो जो टाइमिंग मिले ना उस टाइमिंग के बाद आपको उस हिसाब से ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर टुडे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, तो आज फिलहाल संडे है, माफ़ी चाहूँगा सैटरडे है, तो इसलिए ये जो है अप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन हम जाते हैं कल की और मंडे की न्यूज़ पे, जैसे कल संडे है तो कल की भी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम जाते हैं यस्टरडे पे तो आप ज़रूर चेक कर पाएंगे और इसका एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखो, जब भी जिस भी टाइमिंग के आगे जो भी लिखा है, तो एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे न्यूज़ आती है किसी मीटिंग की, या फिर कोई न्यूज़ आती है आपको किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे, जहाँ पे आपको फाउंडेशन की मीटिंग है, या फिर कुछ इस तरीके की न्यूज़ आती है, या करेंसी वॉर की न्यूज़ आती है, तो तब आपको ट्रेड नहीं लेनी है उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी न्यूज़, हालांकि आपको जितनी समझ आती है आप डेफिनेटली चेक करो यहाँ से। उसके बाद आते हैं मार्केट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वीडियो का, वो ये कि आप यार हम जो ट्रेड लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हमारी करेंसीज में रहती हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज और करेंसीज पे, करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यूरो, यूएसडी का किसी भी करेंसी, बहुत सारी करेंसीज आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगी। कोई भी करेंसी पे आपको क्लिक करना है, यूरो, यूएसडी पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। ये आपको जो डेटा दिख रहा है ना, वो 1 दिन का डेटा है, 1 डे 1 दिन का डेटा है,
ठीक है, हम मार्केट का कम्युनिटी सेगमेंट की बात करें, सेंटीमेंट्स की बात करें, तो 50-50 यहाँ पे सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। और अब जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे दिखा रखा है भाई 5 मिनट के लिए बाय के लिए होगा। और सीरियसली गाइस यार, ये जो रिकमेंड करते हैं ना यार, तो ये बहुत ही अच्छा रिकमेंड करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब काफ़ी टाइम तक ये एक्यूरेट ही रहता है। अब इस करेंसी के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं, हम इस पर इसके पीछे जो रिव्यूज़ हैं वो चेक कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया गया है बाय। और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर करेंसी पे न्यूज़ की, तो यहाँ पे हमें सारी न्यूज़ भी इस पर्टिकुलर करेंसी के बारे में मिल जाएगी। तो यूएसडी, यूरो यूएसडी के बारे में जो भी न्यूज़ होगी, सारी सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी जब आप ट्रेड लेंगे। तो एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। एनालिसिस भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्या कोई जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं, तो आपको पुराने डेटा यहाँ से मिल जाएंगे। कमेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको कमेंट्स भी मिल जाएंगे, जो लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, आपके फेलो ट्रेडर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि मार्केट जब ओपन होगा तो क्या सिनेरियो रहने वाला है। चार्ट पे क्लिक करोगे तो फिलहाल यहाँ पे कोई चार्ट नहीं दिखने वाला है, ठीक है। सो गाइज यार, ये था वीडियो का मेन कंटेंट कि हम किस तरीके से एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई अगर हम बहुत ज़्यादा हार रहे हैं ना, अगर बहुत हार रहे हैं ना ट्रेड करते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं। हम वो सबसे पहले जब कोई करेंसी पे हमें ट्रेड लेनी हो ना, तो सबसे पहले उसको इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करो, उस पर्टिकुलर करेंसी के बारे में चेक करो कोई न्यूज़ तो नहीं है। अगर कोई न्यूज़ है तो मत लो यार, फिर उस जब भी कोई न्यूज़ होना तो पर्टिकुलर टाइमिंग के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और हमें चेक करना है कि इस पर्टिकुलर जो करेंसी है उसका चार्ट जो है वो क्या कह रहा है, यानी हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में है। ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है, और फिर गाइस बिलीव मी, आपकी जो ट्रेडिंग है डेफिनेटली इंप्रूव होगी। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लॉन्ग रेंज तक जाना है तो ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। यार उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और यार पसंद आई ना तो यार थम ज़रूर दे के जाना, लाइक ज़रूर करके जाना, और यार चैनल पर बिल्कुल नए हो ना तो यार नए मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन तो यहाँ से मिलता ही रहेगा। प्लस यार ऐसी ऐसी वीडियोस जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, इसी चैनल पे मिलेंगी और सबसे पहले मिलेंगी। अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो यार अभी लाल बटन जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक कर दो, और यार पास में एक बेल आइकन का बटन भी आएगा, उस पर भी प्रेस कर दो, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना यार न्यूज़ के, वो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को विराम देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।